कुछ समय पहले ही स्टार प्लस पर शुरू हुआ सीरियल फालतू तो आप देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें निहारिका चौकसे और आकाश आहूजा नजर आ रहे हैं और दोनों ही अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो वहीं आकाश आहूजा भी अपने दमदार एक्टिंग और अंदाज से दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं, जहां ये आज इतने सीरियल में काम करके लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता आकाश आहूजा कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं और ये अपनी उस संपत्ति से किस तरह की शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आकाश आहूजा के शानदार लाइफस्टाइल के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता आकाश आहूजा ने मिडनाइट कॉल और थपकी प्यार की टू जैसे सीरियल और फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग, एक्सप्रेशन और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ अपने हर एक अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, जिसकी वजह से आज ही टीवी इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड अभिनेता बन चुके हैं और आज ही अपने पर एपिसोड 60,000 रुपए चार्ज करते हैं और इसी वजह से आज ये 14 करोड़ के मालिक बन गए हैं, जो कि आज अपनी इसी नेटवर्क की वजह से ये मुंबई में 2 करोड़ के आलीशान बंगले में रहते हैं, जिसमें कई सारे कमरे और शानदार लिविंग रूम, मॉडर्न किचन और बालकनी और गार्डन जैसी कई सुविधा उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से इनके घर में कंप्लीट रॉयल लुक देखने को मिलता है। अगर बात करें इनके लाइफस्टाइल की, तो इनके एक कपड़े की कीमत 20 से लेकर 30,000 से ऊपर की ही होती है, जिनमें आपको पराडा और डायट जैसे कई लग्जरियस ब्रांड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके पास शूज का भी जबरदस्त कलेक्शन है, जिसमें आपको 10 से 15,000 तक के जॉर्डन और कोच जैसे ब्रांड के शूज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये 10 से 20,000 के रेड फरारी और हुगो बॉस के परफ्यूम यूज करते हैं और घड़ी पहनने के भी काफी ज्यादा शौकीन है, जिनके पास कई महंगी वॉच का भी कलेक्शन है। अंत में बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की, तो बता दें इनके पास मर्सिडीज बेंज और रेंज रोवर जैसी कई लग्जरियस गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, आप अभिनेता आकाश आहूजा की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।